नवंबर 1992 के दिनों सरकार बाबा शरीर छोड़ने का निर्णय ले चुके थे। उन्होंने यह भी बता दिया था, रमता है सो कौन, घट घट में विराजत है, रमता है सो कौन, बता दे कोई। सरकार बाबा शरीर छोड़े, उनके अनन्य भक्त रहे श्री चंद्रशेखर जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके विशेष पहल से सरकार बाबा की पार्थिव शरीर पहले दिल्ली आई, फिर 1 दिसंबर 1992 को दोपहर 1 बजे पूज्य सरकार बाबा का पार्थिव शरीर लेकर भारतीय वायुसेना की विशेष विमान बनारस की हवाई पट्टी पर उतरा। उस समय वहां उपस्थित अनगिनत शोक विवल श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने मन प्राण के अधीश्वर, अपने मसीहा, अपने माँ गुरु के पार्थिव शरीर का स्वागत किया। उस जगह हृदय विराधक दृश्य उपस्थित हो गया था। 200 से भी अधिक वाहनों के काफिले के बीच पार्थिव शरीर फूल मालाओं से आच्छादित एक खुली मिनी ट्रक में पड़ाव आश्रम तक लाया गया। उसी ट्रक में बाबा के सभी प्रमुख शिष्य बैठे थे। पूज्य सरकार बाबा की पूर्व इच्छा अनुसार मालवीय पुल के पूरब गंगा के दक्षिण तट पर सुरजाबाद डुमरी गांव के पश्चिम पूर्व निर्दिष्ट स्थल पर लगभग 6 एकड़ जमीन पर अंतिम संस्कार की तैयारियां बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी और पुष्ट सेवाश्रम पड़ाव के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री हरि सिन्हा जी के निर्देशन में किया जाने लगा था। माननीय चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार अपने पुत्र श्री पंकज जी एवं पुत्रवधु श्रीमती रश्मि जी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की परवाह किए बिना व्यवस्था में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे थे। 2 दिसंबर 1992 को प्रातः 8 बजे पूजन तथा आरती के पश्चात देश विदेश से आए हुए बाबा के भक्तों का दर्शन पूजन का सिलसिला जो शुरू हुआ था देर रात तक चलता रहा। 3 दिसंबर 1992 के दिन बृहस्पतिवार को प्रातः स्नानोपरांत वस्त्र गंध विभूति तथा पुष्पमाला अर्पित कर पूजनीय माता जी के दर्शन कर लेने के बाद पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वम गुरो परम का कीर्तन करते हुए पीछे पीछे स्मृति स्थल तक गए, जहां पूज्य सरकार बाबा के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की जानी थी। जिस नवनिर्मित वेदी पर अंत्येष्टि होनी थी उस स्थान की पूजा यंत्रवत पहले ही की जा चुकी थी। उक्त वेदी पर बेल और चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वनस्पतियों से सजाई गई चिता पर बाबा के पार्थिव शरीर को उत्तराभिमुख पद्मासन की मुद्रा में ही आसीन किया गया। विधिवत सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी पीठाधीश्वर अघोर पीठ बाबा किनाराम स्थल क्रेंकुंड वाराणसी जी ने चिता की परिक्रमा करके पूर्वान 11:50 पर मुखाग्नि दी। परम पूज्य अघोरेश्वर का नश्वर शरीर अग्नि शिखाओं में लिपट कर ज्यों ज्यों पंचतत्वों में विलीन होता गया। शोक की तरंगे दिशाओं को भी अपने में समेटती गईं। लेखक उक्त अवसर पर अंत्येष्टि स्थल पर उपस्थित थे। अभिव्यक्ति की भी सीमा उल्लंघित हो जाए ऐसा शोकाकुल भक्तों का हुजूम वहां उपस्थित था। अघोरेश्वर बाबा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में एकाकार हो गया। वे इन लौकिक चक्षुओं से दृश्यमान नहीं रहे। हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम उनके शरीर का दर्शन कर लाभ कर सकें। हमारे लिए तो यह क्षति अपूर्णनीय है। उन्होंने कहा है कि वे सर्वत्र ढूंढने पर मिलेंगे, पर वे तो अब तक सहज और सुलभ थे। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कैसे ढूंढते हैं और कैसे पा पाते हैं। अब सरकार बाबा से मिलना हमारी व्यक्तिगत थाती होगी। यहाँ पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण अध्याय की समाप्ति हो जाती है। जीवन तो चलता ही रहेगा, अगली पीढ़ी के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब जो होगा वह अघोर पथ की अघोरेश्वर के बिना शायद विशिष्टताहीन यात्रा होगी। हम इस आशा के साथ अपनी लेखनी को विराम देते हैं कि साधना और तप की कसौटी पर खरे उतरने वाले संत महापुरुष अघोरेश्वर सरकार के शिष्य परंपरा में हैं।
जिनकी सुगंध उत्तरोत्तर फैल रही है, आज अवधूत हैं, कल अग्रेश्वर होंगे। हम अगली बार उनकी लीला का स्मरण करेंगे। अग्रेश्वर के श्री चरणों में इस शिष्य का अनंत कोटि प्रणाम। अघोर पद से सवार जय अग्रेश्वर महाप्रभु।